नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के, जिसका सीधा संबंध है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस से, जिसको हम रीप के नाम से जानते हैं, राइट। आज इस रीप एडमिशन प्रोसेस को लेकर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानकारी आ गई है और विभिन्न समाचार पत्रों में भी इसके कुछ गाइडलाइन आ गई है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको इस प्रोसेस की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा इस पूरे प्रोसेस की। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये राजस्थान के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, यूनिवर्सिटी के हों, प्राइवेट के हों, सबके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए प्रोसेस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन कहते हैं रीप, दैट इज़ राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। ये 2023 के लिए प्रोसेस है। इसकी नोटिफिकेशन आज ही जारी हुई है। मैं आपको एक अखबार की जो कटिंग है उसके माध्यम से बता देता हूँ। आप देखिए, राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा रीप 2023, अभ्यर्थियों के पंजीयन एवं प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना इसमें दे रखी है। अब क्योंकि इसको थोड़ा सा देखना मुश्किल है, तो मैं आपको अपने तरीके से कुछ चीज़ें बता देता हूँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो रीप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाते हैं तो देखिए लिखा है reap2023.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, है ना, जिसके अंदर आपके पास न्यूज़ अपडेट्स हैं, कैंडिडेट पोर्टल अपने काम का है, इसकी अपन बात करेंगे, कैंडिडेट पैनल है। अब ये प्रोसेस आज से शुरू होगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है हमारे को, जैसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, कौन सा बच्चा किस ब्रांच में जा सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और क्या कोई प्रेफरेंस भी है इसके लिए। तो बिल्कुल है प्रेफरेंस, आप लोग जानते हैं जेई का एग्ज़ाम होता है, निश्चित तौर पे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन क्या क्राइटेरिया है उन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो एक टैगलाइन जो है ना वो फ्लो हो रही है, बार बार वो लाइन चलती जा रही है, उस पर साफ साफ लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आज 3 बजे के बाद शुरू होगा, यानी कि 28 मई 2023 संडे आज से शुरू होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या हमको जानना जरूरी है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के ऊपर शुरू होगा तो और क्लियरिटी इसके अंदर आएगी, तो मैं एक सेशन और लेकर के आऊँगा। पहले आप ये सेशन देखेंगे तब आप रजिस्ट्रेशन को इजिली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो जो रीप का जो प्रोसेस है वो दो तरह की डोमेन के लिए होता है। पहला है बीई, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा है बी टेक, दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। कुछ कॉलेजेस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती थी। अभी क्योंकि हमारे राजस्थान में दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, है ना, ये कोटा के अंदर है और एक बीकानेर के अंदर है, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो वो वहाँ से आपको बी टेक की डिग्री मिलती है, ये 4 साल का कोर्स है ना। इसी तरह से आर्किटेक्चर वालों के लिए भी अलग कोर्स होता है, जिसको हम बी आर कोर्स कहते हैं, ये 5 साल का कोर्स होता है। मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मैं केवल और केवल बी ई और बी टेक कोर्स की बात करूँगा सेशन के लिए। ये सेशन है हमारा 2023-24। अब जो 12th के बच्चे हैं, यूजुअली ये सेशन से कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, हम अगर एकेडमिक की बात करते हैं, अकादमिक की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज एडमिशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए सेशन का मतलब है 1 जुलाई से सेशन शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा, वो पूरा एक कंप्लीट सेशन है ना। तो 23-24 का मतलब क्या है, 1 जुलाई 2023 से शुरुआत होगी इस सेशन की और वो 30 जून 2024 तक चलेगा, ये कंप्लीट सेशन है 2023-24, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टाइम स्पान इसका। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फॉर्म फिलिंग होगी ऑनलाइन, एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन होगी, वो आज की तारीख से शुरू होगी 3 बजे के बाद, दोनों ही डोमेन के लिए, बी बी टेक और बी आर के लिए भी, है ना। आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा 295 रुपये, ये गवर्नमेंट की जो फीस रखी हुई है उसके बारे में आप देख लीजिए, है ना। ये केवल और केवल रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं, फीस की बात आगे होगी। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है ना। देखिए, आपको इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो मिनिमम आपको 12th पास होना जरूरी है ना। पहले तक तो क्या होता था कि केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यही बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारा जो अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान है AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने इसमें थोड़े चेंजेस किए, है ना। जो दूसरी स्ट्रीम्स के जो बच्चे हैं, जैसे बायोलॉजी का भी बच्चा है,
इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुका है, कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है, उन सब के लिए इंजीनियरिंग जो है वो अलाउ कर दी। तो ये आप देख सकते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, है ना, इन सब के जो बच्चे हैं 12th पास, वो है ना, वो एडमिशन ले सकते हैं। एक एग्रीकल्चर जो की जो ब्रांच है उसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है, वो उनको एग्रीकल्चर का कोर्स करना जरूरी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके अंदर ब्रांचेज तो मैंने आपको बता दी, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी सब हो गए। आपको मिनिमम परसेंटेज जरूरी है, ऐसा नहीं है कि किस कोई बच्चा के 20% ही है वो भी एडमिशन लेगा, ऐसा नहीं है, है ना। मिनिमम 45% मार्क्स जनरल वालों के लिए जरूरी है, और अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है तो उसके लिए 40% मार्क्स है, 5% का उनको रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई ST है, SC है ना, PWD है, OBC है, SBC है, राजस्थान के अंदर, वो एक्चुअली ये प्रोसेस राजस्थान का है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का नहीं है। दिस री प्रोसेस इज फॉर एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ राजस्थान ओनली, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया जेई की रैंक बहुत जरूरी है। अभी देखिए जेई के जो मेन सेशन है वो दो हो चुके हैं, दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। एडवांस वाला एग्जाम जो है अभी 4 जून को होगा, हालांकि एडवांस वाले बच्चे इसमें आएंगे, कुछ आएंगे बाद में, लेकिन जेई की जो रैंक है 2023 की, उन लोगों जिन लोगों ने एग्जाम दिया है मेन, फर्स्ट, सेकेंड या फिर एडवांस, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता आपके 12th के परसेंटेज के ऊपर है ना, 45 के ऊपर, जैसे जैसे आपके परसेंटेज बढ़ेंगे जिनके, उनके हिसाब से उनको तृतीय प्राथमिकता, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। और एक वोकेशनल कोर्सेज अगर किन्होंने किए हैं, है ना, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, उनको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जेई वाली, उनके अंदर साफ साफ लिखा है मिनिमम 20% इन जेई मेन 2023 इज रिक्वायर्ड फॉर कंसीडरिंग प्रायोरिटी फर्स्ट। अगर किसी बच्चे के 20% नहीं है और उसने जेई दे रखा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मैंने आपको शुरू में जो एक पिक्चर दिखाई थी पोर्टल की, उसमें एक कैंडिडेट पैनल था, है ना, ये उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक टैग दिया हुआ है, फॉर एनी हेल्प और क्वेरी क्लिक हियर, तो आपको यहाँ क्लिक करना है ना। ये भी आपको करना पड़ेगा पहले, उसके लिए दो चीज़ें जरूरी है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपसे दो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए इसके पहले तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अपने काम का नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये काम का है। अनरजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, है ना, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे दो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो दो इन्फॉर्मेशन आपको पहले होनी चाहिए आपके पास, दैट इज योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ओटीपी आएगा वो ईमेल आईडी पे आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा, राइट, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा। अब देखिए जैसे ही वो मांगेगा उसके बाद में सबमिशन का कोई बटन नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वेन यू एंटर दीज टू एंट्रीज इन दिस प्रिस्क्राइब्ड कॉलम्स, तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे ईमेल आईडी की, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगा, है ना, इस तरह का, आपको लिखा आएगा हेल्प डॉट रिप 2023.com सेज प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स और इन स्पैम फोल्डर एंड फिल ओटीपी। जैसे ही आप उस पर दोनों एंट्री कर देंगे आपके ईमेल के ऊपर एक मैसेज आएगा, उसके अंदर एक कोड लिखा हुआ होगा, जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक अगली विंडो आएगी, उसमें वो कोड आपको डालना है। तो मैं कह रहा हूँ ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, करेक्ट ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, राइट। जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ, मैंने अभी शुरुआत में मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी डाल के इसको टेस्ट किया है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप ओके करेंगे तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक देखो आएगा ये ईमेल अकाउंट वेरिफिकेशन एक्टिवेशन कोड, जिसको ये ओटीपी कह रहे हैं। तो देखिए मेरे ईमेल के ऊपर ये कोड आया था, है ना, तो मैं इस कोड को जब उसमें डालूंगा, यहाँ पर देखो वापस से उस पर जाएंगे आप, तो आपको मोबाइल नंबर फिर से मांगेगा और वो कोड मांगेगा, एंटर ओटीपी, है ना, यहाँ पर ईमेल और कोड, यहाँ पर मैंने मेरे मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी सिक्योरिटी रीजन से हटा दिया है ना। आपका जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो एक बार ही डालना है ना। ओटीपी आप डाल के इसको वेरीफाई करेंगे तो फिर से एक मैसेज आएगा कि रीप हेल्प जो है वो आपको कह रही है कि आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है ये सक्सेसफुली डन हो चुका है, अब आप इस पर ओके कर देंगे। फिर आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो आपसे ये रजिस्ट्रेशन के बाद काम आएगा एक्चुअली, लेकिन आप इसको कर लीजिए। आपसे ये पूछेगा कि आपका कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम फॉर्म भरते हैं
तो कुछ डेटा गलत एंटर हो जाता है, जब हम बाद में उसका प्रिंट लेते हैं तो अब हमको रियलाइज़ होता है कुछ पेमेंट्स के रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, इन जनरल कोई भी क्वेरी हो सकती है ना। तो इन्होंने तीन तरह की कैटेगरी डिसाइड की है, पेमेंट रिलेटेड, फीडेड डेटा करेक्शन और भी कोई क्वेरी हो तो आप इसको डाल के और वो डॉक्यूमेंट इसमें डाल दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा और स्वयं अपनी क्वेरी करेंगे तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। अब जो बहुत ही बेहतरीन इशू हर एक के दिमाग में आता है, एक कन्फ्यूजन आता है कि साहब कौन सी ब्रांच में एडमिशन लें, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, है ना। तो ये जो रीप की आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ 29 ब्रांचों का डेटा दिया हुआ है ना, लेकिन हो सकता है ये अपडेट नहीं किया उन्होंने। आजकल नई ब्रांचें बहुत आ गई हैं, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी बात यहाँ नहीं की गई है। फिर भी मैं कुछ ब्रांचें आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए मैंने 20 ब्रांचें यहाँ बताई है, एरोनॉटिकल है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, कंप्यूटर, केमिकल, डायरी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फायर एंड सेफ, फूड है, लेदर है, मैरीन है, मेट्रोलॉजिकली है, मिलिट्री है, ये बहुत सारी ब्रांचें हैं। इसके अलावा भी ब्रांचें देखिए आप, माइनिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर साइंस है, पैकेजिंग है, फार्मास्यूटिकल है, प्रिंटिंग है, टेक्सटाइल, फैशन और टेक्सटाइल। नई ब्रांचों का यहाँ जिक्र नहीं किया, ये 29 हैं, इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचें और हैं। आजकल कंप्यूटर साइंस की जो सब ब्रांचेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच आ गई है ना, रोबोटिक्स की आ गई है, डेटा साइंस की आ गई है, मशीन लर्निंग की आ गई है, तो वो भी मेरे हिसाब से जब आप कॉलेज, क्योंकि हर एक कॉलेजों में है नहीं, कुछ कुछ कॉलेजों में है, तो जब एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वहाँ से हमको और क्लियरिटी इस चीज़ के लिए मिलेगी, है ना। अब ये प्रोसेस के चेयरमैन और कन्वीनर कौन कौन है वो वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। ये श्री भवानी सिंह देता है, IAS ऑफिसर है, ये चेयरमैन है इस पूरे प्रोसेस के, है ना। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का काम देख रहे हैं, और डॉक्टर मनीष गुप्ता जी जो है वो इस री प्रोसेस के पूरे कन्वीनर हैं, ठीक है ना। अब जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे रिलेटेड आपको किस वेबसाइट के ऊपर जाना है और हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, reap2023.com या help reap2023.com। उन्होंने दो नंबर भी जारी किए हैं समाचार पत्रों में और वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरे को भी कमेंट करेंगे तो मैं भी इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इसको मुझे बताइएगा, आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुँचे, है ना। 3 बजे के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मैं इसको गो थ्रू करूँगा और एक सेशन आप लोगों के लिए और लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोगों बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।